नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं स्टेप न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका आयोजित शालेय कलाकृति महोत्सव नवगर माणिकपुर का आज समापन समारोह आयोजित हुआ। बीते मंगलवार 5 दिसंबर को शालेय कलाकृति महोत्सव नवगर माणिकपुर का उद्घाटन हुआ था और 3 दिन तक लगातार कई अलग अलग कला और क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाएं IMCA ग्राउंड, YMCA हॉल, जीजे वर्तक हॉल, समाज उन्नति हॉल आदि जगह पर ये कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। मंगलवार को प्रतियोगिता शुरू हुई थी, शाम को मंगलवार को उद्घाटन हुआ था। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आज समापन समारोह शाम को 4:30 बजे आयोजित किया गया, जिसमें बोईसर विधायक राजेश पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस समापन समारोह में इन तीन दिनों में हुई प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किए, उन सभी को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया। करीब करीब 16,000 छात्र छात्राओं ने इस कलाकृति में भाग लिया था। और जैसा कि पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है, वसई विरार महानगर पालिका के 9 प्रभाग समिति अंतर्गत 3 चरणों में यह कलाकृति महोत्सव होता है। विरार में पहले ही हो चुका था, नवगर माणिकपुर जो 5 से 8 के बीच आज संपन्न हुआ, और 12 तारीख से 16 तारीख तक नालासोपारा के बाकी के 4 प्रभाग समिति ब, ई, एफ और डी, इन 4 प्रभाग समितियों के कलाकृति महोत्सव 12 तारीख को होने वाले हैं। कहीं न कहीं वसई विरार महानगर पालिका में एक काफी अहम ये इवेंट है, प्रतियोगिता है। इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में, युवा खिलाड़ियों को, स्कूल के स्टूडेंट को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलती है। और इनके बाद में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हम सभी जानते हैं वसई तालुका कलाकृति महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें करीब करीब 55 से 60 हजार बच्चे भाग लेते हैं, पूरी तालुका के सभी बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, इस वीडियो में आगे देखिए इस कार्यक्रम से संबंधित पूरी हमारी कवरेज, सुनिए क्या कुछ कहा आमदार राजेश पाटिल ने। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, आज कलाकृति में आए, क्या कहना चाहेंगे? आज जो कलाकृति जो महोत्सव का इसका समारोह यहाँ हो रहा है, एक्चुअली बहुत सालों से वसई में कलाकृति महोत्सव हर विभाग में होते, वसई में होते, नाला सोपारा, विरार, नौगर माणिकपुर, और 26 से 31 तारीख तक बहुत बड़ा कला और क्रीड़ा ये जो महोत्सव होता है, ये बड़े पैमाने पे वसई में होता है। इसमें से बहुत सारे कलाकार है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है, उनको इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे खिलाड़ी वसई प्रांत से ऑल इंडिया लेवल पे, बाहर इंटरनेशनल लेवल पे उनको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। और हमारे लोकनेता आमदार हितेंद्र ठाकुर, इन्होंने और उनकी हमारी पूरी टीम ये बहुत सालों से कर रहे हैं, अभी महानगर पालिका भी इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है, नागरिक के लिए करना चाहिए और अच्छे तरह से हो रहा है। पटेल साहब, वसई में एक भी कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है जहां इस तरह से हम कार्यक्रम कर पाए, वसई वो विरार हो या नालासोपारा, पूरा वसई विरार में ये हम हर बार किराए के ग्राउंड में जाते हैं, तो आप अपनी तरफ से इस बारे में कुछ प्रयास करना चाहेंगे आमदार नीति से कुछ? ग्राउंड तो अपने पास है ना, चिमाजी अपा ग्राउंड है, मानिकपुर है, विरार में है, हर जगह पे अपने महानगर पालिका के अभी महानगर पालिका ही हो गया ना, ये अपने सार्वजनिक ही है ना, तो ग्राउंड तो है अपने पास। आप बड़े स्टेडियम की बात कर रही होंगे तो वो अलग बात है, उसके लिए बड़ी जगह और चाहिए तो उसका भी। और देखो, अपने क्षितिज ठाकुर आमदार है, उन्होंने विरार में तो इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसका काम भी चालू है, तो यहाँ बहुत सारे एक्टिविटी, इंडोर स्टेडियम वगैरह वहाँ बन रहा है, तो उसका फायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है। हमारे सुनील भाई, उन्होंने सातवली में बड़ा एक स्विमिंग पूल टैंक बनाया है, ताम तालाब में है, विरार में तरण तालाब है, बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में यहाँ डेवलपमेंट हो रही है और आगे जाके और भी होने वाली है। खिलाड़ी को आप क्या अपनी तरफ से आह्वान करना चाहेंगे? देखो, अभी हर एक खेल में बड़ा स्कोप है, मैं ये आह्वान करूंगा जितने भी लड़के बच्चे हैं, ऐसे जो स्पोर्ट्स है और कला के जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करें, अपना
जो टैलेंट दिखाए और आगे बढ़े। गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।